नमस्कार साथियों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो हमारे किसान साथी 95/60 सोयाबीन का विकल्प ढूंढ रहे थे, ऐसी ही सोयाबीन की एक वेरायटी है जो कि JS की ही वेरायटी है, जबलपुर अनुसंधान की। और साथियों, ये जो वेरायटी है काफ़ी लेटेस्ट वेरायटी है, क्योंकि मैं जिस किसान साथी से इसका बीज लेकर के आया हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स दिया है। और साथियों, जो लॉन्ग ड्यूरेशन की वेरायटियाँ हमारे कई किसान साथी नहीं लगा पाते हैं, उनकी कुछ अपनी समस्याएं रहती हैं, पानी की व्यवस्था, सिंचाई का साधन उतना नहीं रहता है। तो ऐसे हमारे किसान साथी ऐसी एक वेरायटी ढूंढ रहे थे कि जो कि 95/60 की जगह लगा सकें, जो 95/60 जितने समय में हार्वेस्ट होता था उतने समय में हार्वेस्ट हो जाए। तो साथियों, ऐसी ही एक वेरायटी का बीज मैं लेकर के आया हूँ, और ये वेरायटी JS की वेरायटी है। JS का 2303 सोयाबीन है ये। और साथियों, ये सोयाबीन की बोनी भी मैंने 16 इंच पर ही करी है, क्योंकि मैं 16 इंच से कम पे सोयाबीन बोता नहीं हूँ, होता भी नहीं है इतना अच्छा, इसलिए मैं हमेशा कोई सा भी सोयाबीन हो, कोई सी भी वेरायटी हो, वो मैं 16 इंच पर ही लगाता हूँ। तो साथियों, मैंने इस वेरायटी को मैंने भी पहली बार ही लगाई है। अब जिन किसान भाइयों से हमने इसका बीज लिया था, उन्होंने तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है इसका। उन्होंने बताया है कि भैया, ये वेरायटी जो है इसने भयंकर सूखे के समय में भी, क्योंकि पिछले साल काफ़ी जो सूखा पड़ गया था, लास्ट लास्ट में जब फूल और फल आए थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उसके बाद भी उन्होंने बताया कि इसका उत्पादन ठीक ठाक रहा था। लेकिन जब तक कोई सी भी वैरायटी अपन अपनी ज़मीन में लगा कर नहीं देखते हैं और उसका रियल उत्पादन नहीं देख लेते हैं, तो हमें इतना भरोसा होता नहीं है। खास करके मुझे तो होता नहीं है जब तक मैं खुद की ज़मीन में उसको लगा कर नहीं देख लूँ। लेकिन साथियों, ये वैरायटी अभी की कंडीशन में देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमारी जो बोनी थी वो 21 जून और 22 जून की बोनी थी। तो 21 जून की जो बोनी हमने करी थी, इस सोयाबीन की 21 जून की ही बोनी है, और RBSM 1135 और कुछ 2172 की भी मैंने बोनी करी थी 21 जून को ही। और जो 22 जून की बोनी करी थी, वो साथियों थोड़ी सी डिपिट खा गई है, क्योंकि 22 जून को जो हमारे यहाँ बारिश हुई थी वो काफ़ी ख़तरनाक बारिश हुई थी, तो उसमें सोयाबीन हमारा भी कुछ रपाया है, कुछ किसान साथियों का भी। लेकिन जो 21 जून की बोनी थी, उस पर भी पानी तो गिरा था एक दिन बाद लपक के, लेकिन उसने ठीक ठाक निकली आई थी वो बोनी, वो भी। लेकिन जो दूसरी वेरायटियाँ मैंने लगाई थी, वो इतनी अच्छी नहीं निकली थी, क्योंकि जो इसकी अंकुरण क्षमता है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद में जो इसकी सोयाबीन की जो ऊँट है, जो चलता है सोयाबीन जो खेत में दिखता है, वो आप लोग देख सकते हैं ये। बाकी मैंने RBSM 1135 का भी वीडियो डाला है और 2172 का वीडियो भी डाला है, वो सोयाबीन भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी की कंडीशन में अगर देखा जाए, तो मुझे इस सोयाबीन में काफ़ी ऊँट दिख रही है, क्योंकि इसमें कोई हमने अभी यूरिया वगैरह ये तो दिया नहीं है, और ऊपर से मैं देता भी नहीं हूँ। बेसल डोज में जो डाला था वो सभी सोयाबीन में डाला था, इसी में भी वही बेसल डोज डाला था, क्योंकि ऊपर से हम यूरिया वगैरह DAP डालते नहीं हैं। और साथियों, इसमें अभी हमने कोई सी भी हर्बिसाइड दवा डाली नहीं है, और अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है। 21 जून के बाद आप लोग लगा लेना अंदाज के कितने दिन की बोनी है। साथियों, मैंने इसको 30 किलो एकड़ ही बोया है, पर ये जमी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मुझे जो लगा इसकी अंकुरण जो क्षमता मुझे लगी वो काफ़ी शानदार लगी। ये देख सकते हैं आप पूरा खेत ये। अब मैं इस सोयाबीन का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे किसान साथी 95/60 सोयाबीन का विकल्प ढूंढ रहे थे कि भाई हमें ऐसी वेरायटी मिले जो थोड़ा सा अच्छा उत्पादन भी दे और 95/60 के साथ हार्वेस्ट हो जाए, ताकि जो हमारी सोयाबीन के बाद वाली जो फसल है गेहूं या चने की, वो बाधित ना हो, उसमें पर्याप्त पानी मिल जाए। क्योंकि साथियों, अगर सोयाबीन 15 दिन भी लेट हो जाता है, तो 15 दिन में तो हमारे कई किसान साथी सोयाबीन हार्वेस्ट करने के बाद, सोयाबीन काटने के बाद बखर फेर करके और खेत तैयार करके और गेहूँ लगा देते हैं, या लगाने की बिल्कुल तैयारी कर लेते हैं, और कुछ किसान साथी तो लगा भी देते हैं। कुछ हमारे किसान साथी ऐसे भी हैं जो सूखे में गेहूं लगा करके और ऊपर से पानी छोड़ देते हैं, तो 15 दिन में तो उनका गेहूं उग करके और अच्छा तैयार हो जाता है। तो ये वेरायटी उन्हीं किसान साथियों के लिए है, लेकिन इस वेरायटी की जो ओरिजिनलिटी निकल कर सामने आएगी, जो इसका ओरिजिनल उत्पादन निकल कर के सामने आएगा, क्योंकि मैं इसके वीडियो आपको 8 दिन में 10 दिन में एक वीडियो इसका आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, ताकि आपको इसकी बिल्कुल ओरिजिनल सच्चाई पता चल सके, क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आपको इसको मैं बिल्कुल रियल में दिखाऊंगा। अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, 21 जून की बोनी है, लगभग 13-14 दिन की बोनी होगी, 14 दिन की। तो उसके बाद में अब आपको मैं इसमें जो भी दवाई डालूंगा और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह मैं इसको दूंगा,
कौन सा फंगिसाइड इसमें डालूंगा, वो सब वीडियो मैं आपको दूंगा। और इसका जो ओरिजिनल उत्पादन है वो लेने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी जो क्षमता है सोयाबीन की उत्पादन देने की, वो पूरा इसका देखेंगे, इसको कोई से पोषक तत्व की कमी नहीं होने देंगे। उसके बाद में आपको हार्वेस्ट होते टाइम इसका वीडियो बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। जब हार्वेस्ट होगा उस टाइम पर ही दिखाऊंगा ताकि बिल्कुल इसकी ओरिजिनलिटी पता चल सके। तो साथियों, ये थी एक नई वेराइटी लेकर के आया था मैं JSK 2303, उसके बारे में जानकारी उस सोयाबीन का खेत मैंने आपको दिखाया है। और आप कृपया एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरा वीडियो में जब भी डालूँ आपको वीडियो मिले, एक भी वीडियो मिस नहीं हो। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।